हेलो गाइस। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस आज ये वीडियो काफ़ी दमदार बनने वाली है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे काफ़ी आपको एक्सपेंसिव चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शायद आपने थंबनेल देख के मालूम कर लिया होगा कि मैं आपको आज क्या मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप मैंने परचेस मैंने किया हूँ, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों मैंने परचेस किया हूँ, और उसे मैंने ऑफलाइन या ऑनलाइन मैंने परचेस किया, और मैंने कितने मैंने परचेस किया, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैंने क्यों मैंने परचेस किया हूँ वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले कि मेरा जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसको मैं इम्प्रूव मैं करना चाहता हूँ, फर्स्ट में ये। और सेकेंड में जो मैं जो आर्ट का जो चैनल है तो उसको एडिटिंग करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से मैं एडिटिंग करता हूँ। पहले मैं फ़ोन से मैं क्या करता था, लेकिन अब मैं यहाँ पे जितना जो अब जो वीडियो जो आने वाली है, जितना मेरा जो एडिटिंग रहेगा वो सब कंप्यूटर से ये मेरा रहेगा। और बस यही दो मेन रीज़न है मैं कहाँ से मैंने परचेस किया, क्योंकि मैं यहाँ मैं पटना बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं पटना के लोकल से ही मैंने इसे परचेस किया हूँ। और मैंने कितने का मैंने परचेस किया इसे, अराउंड सब कंप्लीट करके 70,000 रुपीज़ ये मेरा कंप्लीट हो गया। पूरा सेटअप मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसा मैंने लैपटॉप इसे परचेस मैंने किया। तो वीडियो के साथ पूरे बने रहिए और देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डेल का लैपटॉप काफ़ी एक्सपेंसिव लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, आप इसे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इनबॉक्सिंग मैं करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है अंदर में। तो गाइस, मैंने इसे पहले मैंने ओपन मैंने कर लिया हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझसे रहा नहीं गया था कि इसके अंदर कैसा है, लेकिन मैंने इसे पहले ओपन करके मैं देख चुका हूँ। फिर मैं इसे पैक करके फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसका पैकिंग और किस तरह से ये है। तो यहाँ पे सब इसका जो सीरियल नंबर वो सब दिया हुआ है, और इसका एमआरपी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 101,364 रुपया इसका एमआरपी है। मैं आपको इसका फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगा, और इसमें क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो मॉडल है डेल जी 15 5510 इसका मॉडल है, और ये कितना, और ये गेमिंग लैपटॉप करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये लैपटॉप है। तो देख सकते हैं काफ़ी, अगर इसका वज़न अगर सिर्फ कंप्यूटर का मैं लूँ तो इसका वज़न अप्रॉक्स 2.5 kg का ये है टोटली। इसे मैं यहाँ से ओपन मैं करता हूँ, और इसमें क्या क्या इसके अंदर जो फीचर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इसका ऐसे में ये यहाँ पर है, और इसका ये आपका गार्ड हो गया, और ये रहा कंप्यूटर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर, और ये रहा इसका एडाप्टर। अब मैं इसे इस डिब्बे को मैं साइड में कर देता हूँ, इसे पे एडाप्टर को मैं बाद में देखूँगा, पहले मैं इस लैपटॉप को मैं निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये लैपटॉप रहा डेल का, जो ये काफ़ी हैवी ये गेमिंग लैपटॉप है, और इसके अंदर क्या क्या फीचर है वो मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अब मैं इसे अडेप्टर को मैं देखता हूँ, अडेप्टर किस तरह का है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने वाट का है और कैसा ये अडेप्टर है। तो देख सकते हैं कि ये 180 है, मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँ, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जर है, और इसका जो तार है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ये बढ़िया क्वालिटी का है। और ये इसका ऊपर का ये रहा, और ये रहा लैपटॉप, आप देख सकते हैं ये पीछे का हो गया और ये आगे का हो गया ये लैपटॉप। अब मैं इसे ओपन मैं करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि इससे ओपन करने का ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ही खुल जाता है, ये ओपन हो जाता है। तो देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप ओपन हो गया है। तो इसमें मैंने पहले से मैंने अपना एक फ़ोटो लगा रखा था, तो देख सकते हैं ये मेरा हो गया, ये मेरा पासवर्ड है कुछ, मैं डाल देता हूँ।
तो देख सकते हैं ये रहा लैपटॉप, और इसका आप ये देख सकते हैं इसका जो लाइटिंग है, जो नीचे का जो ये है, ये काफ़ी हल्का हल्का ऑरेंज है, काफ़ी हैवी लग रहा है, काफ़ी ये बढ़िया लग रहा है। और लुक्स में भी आप देख सकते हैं काफ़ी ये ग्रे कलर का आपका हो गया। तो ये लैपटॉप का मैं फीचर मैं आपको कुछ ये बता, तो इसके अंदर 16 GB का रैम है, काफ़ी ये 16 GB बहुत। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा लैपटॉप कितना, इसका जो कीपैड का लाइट है ये कितना इम्प्रेसिव, कितना हैवी यहाँ पे लग रहा। और इसका जो मॉडल है डेल G15 5510, और इसका इंटेल कोर i5, कितना हैवी यहाँ प्रोसेसर है। और मैं यहाँ पे आपको कुछ इसका जो इंटरनल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अंदर से भी जितना ये बाहर से स्ट्रांग है उतना वो अंदर से भी स्ट्रांग है। जब भी अगर आप एक कंप्यूटर लें तो उसके लुक्स के ऊपर कभी नहीं जाए, उसके अंदर का जो फीचर है उसमें कितना रैम है, कितना रोम है, कितना ग्राफिक कार्ड है, आप उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप वो कितना तगड़ा है। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे काफ़ी देख कर, मैंने यहाँ पे काफ़ी सर्च करके मैंने ये कंप्यूटर मैंने लिया हूँ। तो इसमें मेरा 16 GB रैम है और 512 GB SSD ये है, और 4 GB ग्राफिक कार्ड है, फुल आईपीएस ये डिस्प्ले हो गया मेरा। लुक्स की बात करें तो इसका जो लुक्स है उसका तो हल्का कार्टूनिश टाइप का है, लेकिन बट अगर मैं इसे अगर इसके मैं सिस्टम की बात करूं और इसके जो इंटरनल की मैं बात करूं, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अदर जो कंप्यूटर है, अदर जो लैपटॉप, उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी हैवी है। क्योंकि मैंने इसे इसलिए मैंने परचेस मैंने किया हूँ कि इसमें 16 GB रैम है, इन फ्यूचर मुझे आगे चल के ये काफ़ी काम देगा। और इसका जो कलर है वो मैट ग्रे है, और ये काफ़ी सॉफ्टली अभी ये मेरा चल रहा है, और इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। और इसका इसमें जो विंडो 10 अभी इसमें लॉन्च है अभी। और मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्यूटर अगर आप भी अगर अगर आपको अपना एजुकेशन और आपका अगर इतना है कि आप ये ले सकें तो आप ऑफ कोर्स आप इसे ज़रूर ले, क्योंकि मुझे ये कंप्यूटर काफ़ी मुझे ये पसंद आई है। भले लुक्स थोड़ा सा इसका डाउन है, लेकिन जो इसका जो फीचर है वो मुझे काफ़ी पसंद आई है। और इसका जो एडेप्टर है तो देख सकते हैं कि वह 180 वाट में 180 वाट का फास्ट एडेप्टर है, जो कि काफ़ी हैवी है। और इसका आप देख सकते हैं अगर मैं इसके अपने हाथ से मैं अगर मेजर करूँ तो मेरी एक हाथ के मुझे बराबर है, और काफ़ी भारी, और 180 है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव और प्लस फास्ट चार्जिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसका अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो यहाँ पे इसका नीचे में दोनों साइड स्पीकर है। और मतलब मैं इसके बारे में जितना मैं आपको बताऊँ वो काफ़ी कम है। अगर अगर आपको भी अगर ऐसा अगर परचेस करना है तो आप जाके अमेज़ॉन पे आप इसका फीचर आप देख सकते हैं, मैं जितना मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कम ये पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप अमेज़ॉन पे जाएं और डेल G15 5510 लिखे, 10th जनरेशन या 11th जनरेशन करके देख लें, आपको उसमें सारी फीचर आपको आ जाएगी। और हो सके तो आप इसे ऑफलाइन ही परचेस करें, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा होता है कि आपको कम रेट में भी आपको मिल सकता है। और प्लस अगर इसका अगर मैं नेट पे मैं अगर मैं बात करूं तो 87-88 के अकॉर्डिंग इसका रेट है, और इसे मैंने ऑफलाइन मैंने परचेस मैंने किया तो ये 70 के अकॉर्डिंग मुझे ये मिल गया। और ऑफलाइन किनने का ये फ़ायदा है कि आपको जो इसमें जो सिस्टम का जो सेटअप जो करना रहता है तो वहाँ के जो शॉपकीपर हैं वो आपको कर देंगे। और अगर अगर फर्स्ट टाइम अगर आप ले रहे हैं वो भी नेट से मंगा रहे हैं तो आपको जो सेटअप है आपको वो खुद करना पड़ेगा। अगर आपको अगर नॉलेज थोड़ी कम है तो हो सके तो आप ऑफलाइन या आप इसे सर्च आप इसे परचेस करें, तो इसीलिए आप में आपको इसमें प्रॉफिट हो गया। तो गाइज अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि मैंने ये लैपटॉप जो मैंने ख़रीदा तो उसका पैसा मैं कहाँ से लाया हूँ। तो गाइज मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यह मेरा यूट्यूब मनी नहीं है, क्योंकि मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए यूट्यूब से एक पैसा भी नहीं है। लेकिन मैं इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो पैसा मेरे पास आया है वह मैंने पेंटिंग से मैंने इसे
परचेस मैंने किया हूँ, जैसे मैं जहाँ जहाँ पे मैं क्लास देता हूँ और जो मेरा जो कमीशन वर्क आते हैं, तो उन सब पैसे को मैंने जमा करके यह लैपटॉप मैंने ख़रीदा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास यूट्यूब मनी से आई है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर, बाय बाय।